देखिए किस तरीके से परेशानी है लोगों को, किस तरीके का यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए अब ये तो बड़े हैं, मतलब उम्र सीधा लोग हैं, तो ये तो क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आप जिस साहब ये सोचें, एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचें कि इन बच्चों का क्या होगा, ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे स्कूल के बच्चों, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ये देखिए आदमी भेज जाए तो फिर क्या बनेगा यहाँ। आप ये देख सकते हैं कि ये बंदे जो आ रहे हैं इनको मजबूरी है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये लोग जो हैं इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। डी सी साहब आप ये देख सकते हैं खुद, मैं डी सी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो काफ़ी मजबूरी है, काफ़ी परेशानी है, अगर परेशानी ना होती लोगों को तो ये क्रॉस नहीं कर पाते करते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी मजबूरी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लोग जो हैं, कि अगर यहाँ पे पुल होता तो इन लोगों को इतना कि परेशानी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए आप राम नाले ये सब काइंडली मेहरबानी करके हमारी मदद कर दिया। नाइंसाफी है यहाँ, देख सकते हैं यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ये देखो डी सब ये देखिए, मैं फारूक इंकलाबी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे यहाँ के जो मुतल्लिका सरपंच जितने भी इस एरिया के मतलब मजदूर आदमी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर दीजिए, प्लीज़ इस मसले को उबारा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत परेशानी है, अगर कोई बह जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है। आप यहाँ पे देख सकते, देखिए ये बंदा अपना रिस्क लेकर अब करेगा अभी क्या, मजबूरी है इसको, ये तो गलत बात है, लेकिन मजबूरी है बेचारा क्या करेगा। अभी बच्चे जो सुबह के कुछ नहीं खाया पिया, एक चाय पी होगी घर में,
यहाँ पे पानी देखिए डिस्टर्ब, यहाँ पे दो दरिया मिलते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पुल होना चाहिए यहाँ पे ताकि इस पुल को यहाँ से वो गांव भी कवर हो जाए, पीछे वाले दो गांव भी कवर हो जाए। ये देखिए आप, मेहरबानी करके डिस्टर्ब हमारी मदद की जाए, इन लोगों की मदद की जाए। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है, ख़ास करके हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी जनाब एजाज अहमद असद साहब से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि ये गब्बर विलेज जो है राजनगर ब्लॉक का, वहाँ से उस पार जो है एक गुलीर मोड़ा है जहाँ पे काफ़ी आबादी है, लगभग भी 500 से ज़्यादा की आबादी वाला मोड़ा है, वहाँ से रोज़ाना लोग जो हैं वो बुधल आते हैं, गब्बर जाते हैं। वहाँ के बच्चे लगभग 40 से 60 के बीच में, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में गब्बर आते हैं, वो इस नाले से क्रॉस होके आते हैं और रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के तालीम हासिल करने के लिए अलग अलग स्कूलों में पहुंचते हैं। जो ही थोड़ी सी भी बारिश आती है तो गब्बर और गुलीर के बीच में जो ये नाला आपको दिखाई देता है, जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से एक शख्स जो अपने बेटे को जो स्कूल गया था उसको कंधे पर उठा के नाले के बीच में से क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जिंदगियों को दाव पे लगा करके ये लोग जो हैं इस नाले को क्रॉस करते हैं। तो गब्बर और गुलीर के बीच में जो ये नाला है, इसके लिए मुझे लगता है कि हज़ारों बार गब्बर की और गुलीर की आवाम ने गवर्नमेंट से अपील की, उस वक्त के हमारे यहाँ के लोकल एमएलए से गुजारिश की कि इस पुल की तामीर जो है ये करवाई जाए, यहाँ पर पुल एक जो है वो दिया जाए ताकि दोनों गाँव के बीच में जो है कनेक्टिविटी हो जाए। और उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी ये नाला जो है कई बार लाया है, लेकिन आज तक जो है किसी ने भी, ना तो इंतजामिया की तरफ से, ना किसी सियासतदान की तरफ से, नाले से बाहर बीमार हो चुका था, मुश्किल से इसको नाला क्रॉस कराया है, इतना मुश्किल आता है क्रॉस करने में। हम जिस तरह से गिर गए यहाँ पे, कुछ बैठ गया था यहाँ पे, सड़क में कहीं पर भी बिल्कुल आदमी होना चाहिए।